साथियों नमस्कार। जिस तरह से आप लगातार ओपिनियन पोल देख रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर भीमराज दस्तक चैनल पर, इसी के साथ हम आज फिर एक नए स्थान पर पहुंचे हैं। हम यहां भी बात करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर कि यहां क्या चल रहा है, जमीनी हकीकत, किसकी सरकार चाहते हैं या किसकी सरकार नहीं चाहते हैं, किसकी सरकार जानी चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए। आइए बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी उपस्थित लोग हैं, दादा हैं, बुजुर्ग हैं। तो चाचा, जो है आपकी बार जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, आप किस पार्टी को अपने नज़र से अच्छा देख रहे हैं, किस पार्टी को लाना चाहिए? तो पार्टी को हम किसी को ये नहीं कहेंगे कोई पार्टी, ठीक है। हमें पार्टियाँ सभी सही है, हमें लोगों को रोजगार चाहिए, ठीक है। अब देखो, अच्छे खासे दो साल में जो ये लॉकडाउन हुआ, सभी जो एकदम बेरोजगारी एकदम भुखमरी कगार पे आ गए, और हम पार्टी से कोई सी पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी जो है इस सरकार में है। अब देख लो, 940 रुपये का आज हमने बुलाया, हम 9 कमाने, हाँ, गैस सिलेंडर कमाने वाला हम अकेले एक बेलदार आदमी है, कोई वो नहीं है, कोई हमारा बिजली नहीं, ना खेती है, ना बारी है, ठीक है सर। तो हम लोग रोजगार चाहते हैं, कोई भी सरकार है, ये हम नहीं कह रहे कि हमारी ये सरकार बुरा है, गंदी है, बात नहीं है। और जब कहो कि हमें राशन दे के ये सब चीज़ दे के जो है हमारा पेट थोड़ी भरे, हाँ राशन तो दे रहे हो, हम खाना किस पे बनाया? मान लो जिसके पास बड़ी बड़ी बेटियाँ हो गई, उसको शादी ब्याह कहाँ से होगा? जब काम ही नहीं मिलेगा, आदमी घर बैठा रहेगा, तो शादी ब्याह कहाँ से होगा? सरकार इस पर क्यों नहीं वो करती? इस सरकार में इतनी महंगाई है कि आम जनता जो रोज कमाने और खाने वाली है, इतनी त्रस्त हो गई है, वो बयां कर रहे हैं, आंसू नहीं निकलते, आंसू नहीं निकल रहे हैं, और इस सरकार में कैसे घर का चालन या पालन पोषण करें, वो दर्द यहाँ दिख रहा है। तो दादा जो है, चाचा जो आपने बताया, ऐसी ऐसी समस्या है, इस समस्या को लेकर क्या सरकार बदलेंगे या नहीं? क्यों नहीं भाई, देखो हर देखो हमें ये बीजेपी को देख लिया गया, बीजेपी में बहुत जो है अभी वही हो रहा कि नहीं, कोई आदमी अगर काम धंधा नहीं मिलेगा फिर वही चोरी डकैती करेगी, तो सरकार कहेगी जो है कि चोरी क्राइम हो रहा है, जब धंधा काम नहीं मिलेगा तो चोरी डकैती करेंगे तो क्या करेंगे, अपना पेट कहाँ से बच्चे को पालेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब सरकार ये बदलनी चाहिए, ये सरकार के बस का नहीं जो कहती है रोजगार दिया हो। 1,000 रुपये कहाँ आवाज़ आया ना आजकल स्कूल के बच्चे के, बताओ सब 2 साल में पढ़ाई खत्म हो गई। आप चुप रहिए, कहने का मतलब है आपको सम्मान निधि भी मिलता है, जो किसान वाला है वो पैसा आपको नहीं? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, जिसके दो दो तीन तीन पैसा है आते हैं, भरवाने के बाद ले जाते हैं, नेक पाल सिगरेट ले जाके फाड़ के फेंक दिए, चला दिए हमारे लोग का जो है किसान है, ये तो घोर अन्याय है। हाँ, हमारे पिताजी जो भरे थे पूरा ले जाके चला के भाग दिया, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। अरे बहुत घटिया सरकार है भाई। तो इसी को देखते हुए जो है सरकार बदलना चाहती है, लेकिन विकल्प के रूप में आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश, मायावती और चंद्रशेखर किसको पसंद करते हैं सरकार? हम लोग हैं हमेशा जो है बहन जी के इसमें हमेशा, किसी भी और पार्टी के दोगे हमारे लोग के ऊपर विश्वास नहीं, ठीक है। हम लोग हमेशा बहुजन समाज में वोट डाले हैं, वोटिंग किए हैं, उन्हीं उन्हीं के छोड़ और हम किसी के पक्ष में नहीं जा सकते। इसके पहले जो और पार्टी, इसके पहले जो और चुनाव हुए थे उस समय आपका वोट कहाँ गया? देखो उस समय हमने मोदी जी का हाथ जोड़ कर अभिनंदन करता हूँ, उनको सभी चाहिए। अच्छा, आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गई थी क्या एक बार? नहीं, एक बार नहीं, हमने दो दो बार ये राज्यसभा में योगी जी को भी हमने हम लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है, केंद्र में भी हमने नरेंद्र मोदी को, बहन जी ने एक सफाई कर्मचारी का जो है योजना निकाले, उनमें सभी जात को, आज वो जाति पद लेके जाते ना तो ये सभी चमार भाइयों की भर्ती होती, इन्होंने सभी को ले जाके उसी में भर्ती कर दिया, चमार भाई वहीं को वहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ अन्य जात जो है फायदा उठा लिया, चमार भाई कोई फायदा नहीं। ये जो बस्ती है, ये बस्ती कौन सी है? चमार भाई, हाँ, तो ये जो चमार बस्ती है टोटल जो है सभी बहुजन समाज पार्टी वाली है? हाँ, सारे जो है जो बहुजन समाज। देखा जाए तो आप जो है 2022 में बहन जी को सीएम के रूप में देखना? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि बहन जी, देखो ये हम लोग तो बीजेपी के भी समर्थन, ऐसी बात नहीं, बीजेपी को हमने आपसे कहा ना कि योगी जी को भी हमने वोट दिया, हाँ वोटिंग किया, तब आज सीएम बन गए, सरकार काम चाहती, हमने सोचा चलो इनको भी देख लिया। हाँ, तो क्या बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में काम होता था कि नहीं होता था? शासन में उनके बहुत बढ़िया, क्राइम तो नहीं होता था, क्राइम तो नहीं होता था,
हर चीज के जो है सभी डरते थे, समय से स्कूल खुलता था, समय से टीचर लोग जाती थी। आज तो वहाँ के घर जाती है 2:30-3 बजे निकल लेती है, बच्चे चाहे पढ़े या लेने के। और गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, या बड़े लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, हमने देखा हमारे चुनाव विधानसभा में आए थे, एकदम हाँ डायरेक्ट हाँ चुनाव विधानसभा आए। जो बहुजन समाज पार्टी से काफी खुश नजर आए। देखो जब ये पार्टी बनी मानवर कांशीराम को मैं अभी भी हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। अच्छा, जैसे मैं जानना चाहूँगा मानवर कांशीराम साहब जी का जो फंडा था 15 और 85 का था, 85 को जोड़ो 15 को छोड़ो, 15-85 आप समझ रहे हैं, अब 15 को जोड़ रही है और 85 को कहीं ना कहीं खत्म कर रही है, उस पर क्या क्या करें बहन जी, इसके क्या कहाँ तक आपको सही लगता है? सही है पूरे तो जो है देखो ये इसमें माने हमारे हर पार्टी के जो इनके मेन थे, जैसे इंद्रजीत सरोज रोज को सबको निकाल के सब भाग गए सपा में, हमारी पार्टी में बचे क्या? तो क्या आप चाहते हैं कि पुराने नेता फिर से वापस आ जाएं? बहन जी को चाहिए ना, तभी तो हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, पार्टी की तो एकदम वही खत्म करती चली जा रही है, सारा कारभार तो अपने ऊपर ले लेती है हर पार्टी, जो एक बार चुनाव हारते हैं सभी को निकाल के बाहर कर देती है। कहीं ना कहीं आपको बहन जी से जो है दुख है, लेकिन वोट बस पड़ेगा बस भाई में। आदमी किसी के पास खेत बाड़ी नहीं है, रोज कमाना रोज खाना भी है, ठीक है। हमारे साथ में बहुत ही बुजुर्ग दादा, हम उनसे भी बात करेंगे चुनाव को लेकर। तो दादा आप जरा सा आगे आ जाइए। अच्छा ये बताइए दादा, ये बताइए आप जो है इस सरकार में कितना खुश हैं, जो योगी की सरकार चल रही है कितना? ये सरकार में तो कत्ता ही नहीं, तो खुश नहीं है नहीं। तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम बहन जी की सरकार, बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं। बहन जी से जो बहन का शासनकाल था।